So here we are going to further our discussion with the topic World Trade Organization. So friends, मैंने आप लोगों को बताया था World Trade Organization के बारे में that it is a regulator and it is the controller of the international trade, international business among the countries. So World Trade Organization, it is a body, it is an international organization which acts as a supervisor, acts as a controller of the international business. So international business जो भी countries करती हैं लगभग सारे ही कंट्रीज करते हैं, तो उन कंट्रीज के आपस में ट्रेड से रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी इश्यूज अराइज होते हैं, तो उसका जो मतलब रिजॉल्व, जो उसका रेजोल्यूशन होता है, जो रिड्रेसल सिस्टम होता है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम थ्रू द लॉज, थ्रू द पॉलिसीज उसको फ्रेम करता है. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी बन जाता है जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे देयर इज नॉट अ काइंड ऑफ यू नो बिजनेस कोर्ट विच कैन रिजॉल्व द इशूज अमंग द कंट्रीज. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उनको रिजॉल्व करता है और उनको टाइम टू टाइम ट्रेड रिलेटेड एडवाइस करता है. तो हम लोग अब यहाँ पर पढ़ते हैं, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि कंट्रीज के बीच में ये ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि मोर देन वन गवर्नमेंट, यानी कि देयर आर मोर देन वन गवर्नमेंट्स विच रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि गवर्नमेंट्स ने मिलकर बनाई हुई है. तो जो कंट्रीज हैं दे एक्ट एज अ मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम WTO भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये ऑफिशियली कब स्टार्ट हुई, इट मींस इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1995 को इसको कमेंस किया गया था, आई मीन इसने काम करना स्टार्ट किया था अंडर द मरकेश एग्रीमेंट. देखिए ये एग्रीमेंट जो है इसका नाम मरकेश है. मरकेश एक्चुअली एक सिटी है मोरक्को में. मोरक्को जो है एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और मोरक्को में एक कंट्री सिटी है जिसका नाम है मरकेश. तो देखिए मरकेश सिटी में, मरकेश शहर में एक एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि वहाँ पर मीटिंग्स हुई थी, जितनी भी गवर्नमेंट थी जो मेंबर कंट्रीज थी उनकी मीटिंग्स हुई थी, मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जाके WTO को फाइनलाइज किया गया था और 1 जनवरी 1995 से WTO ने अपना काम करना स्टार्ट किया था एज अ ट्रेड फैसिलिटेटर बॉडी ऑफ द फॉर द वर्ल्ड. तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है WTO के कॉन्टेक्स्ट में. नंबर वन, डेट कब बना था WTO, 1 जनवरी 1995, और कहाँ पर कौन से एग्रीमेंट के थ्रू बना था. तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस में बहुत सारे नाम दे सकते हैं, जैसे उरुग्वे एग्रीमेंट, माली एग्रीमेंट एंड कतार एग्रीमेंट और मरकेश एग्रीमेंट. तो अगर आप लोगों को अच्छे से आपने पढ़ा है, उस चीज़ को आपने ध्यान दिया है, तो यू विल मार्क द राइट ऑप्शन, दैट इज अ मरकेश एग्रीमेंट. तो मरकेश क्या है, मरकेश एक सिटी है मोरक्को में. तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखें. यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि WTO established on 1 जनवरी, कमेंस्ड लिखा हुआ है. तो क्या WTO मतलब उसी दिन बना था या मतलब उसी ईयर में बना था? तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलती हूँ. देखिए 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस, लाइक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम UN के नाम से जानते हैं. तो UN बना था, फिर UN का जो बना था वो 24 अक्टूबर 1945 में बना था, और इसका मेन काम क्या था, टू मेंटेन और टू एस्टैब्लिश द पीस अमंग द कंट्रीज, यानी कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना. देन आपका जो बना था वो था आपका वर्ल्ड बैंक आया था एग्जिस्टेंस में, जिसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक और IMF बना था. उसके बाद फिर आपका एक और इंस्टीट्यूशन बना था जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट WTO ने रिप्लेस किया था GATT को. इसका मतलब WTO से पहले भी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था GATT. तो GATT का फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. तो GATT काम करता था WTO के बनने से पहले फ्रॉम 1945 ऑनवर्ड्स. तो लेकिन GATT में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ वीक पॉइंट्स थे इसके, जो अच्छे, जो मतलब जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो फैसिलिटेट नहीं हो पा रहा था, उतना अच्छे से प्रमोट नहीं हो पा रहा था. तो GATT को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी और GATT की जगह एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो WTO जो था, देखिए GATT के मेन पॉइंट्स में बताती हूँ, सबसे जो बड़ा इसका वीक पॉइंट था, जो मेन वीक पॉइंट था वो ये था कि जो GATT था, GATT सिर्फ गुड्स में जो कंट्री डील करती थी सिर्फ उन्हीं को रेगुलेट करता था. इट मींस जो सर्विसेज थी,
सर्विस का ट्रेड था अमंग द कंट्रीज वो गैट के परव्यू से बाहर था. इट मीन्स गैट का उनका कोई भी रेगुलेशन कोई भी कंट्रोल नहीं था. तो गैट का सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही था कि जो सर्विस सेक्टर था वो कंट्री के जो वो गैट के परव्यू से गैट के सुपरविजन से बाहर था जिसके वजह से गैट जो था सर्विस ट्रेड को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था. कंट्रीज ग्लोबलाइज्ड होने लगी थी तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का जो ट्रेड था वो भी बहुत ज्यादा स्पीड अप हो रहा था. तो इसलिए गैट जो था उसके अलावा और भी नाम थे इसके. इनफैक्ट एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1940s में जिसका नाम था ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन वही कुछ पॉइंट्स थे कुछ वीकनेसेस थी इंस्टीट्यूशन में जो एक अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी. देन 1994 में ये जो WTO का एस्टैब्लिशमेंट था इसमें टोटल 123 कंट्रीज थे नेशंस थे 1994 में जिन्होंने इसको साइन किया था. इसके जो चार्टर था जो लॉ था उस पर साइन करके इसको एग्जिस्टेंस में लेके आए थे. देन WTO जो था ये अब WTO क्या करता है कौन कौन से एरियाज का जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड है वो WTO के सुपरविजन में आता है WTO के कंट्रोल में आता है. तो एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स एंड क्लोदिंग बैंकिंग टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट परचेजेस इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोडक्ट सेफ्टी फूड सैनिटेशन रेगुलेशंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मच मोर. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो WTO के सुपरविजन में परव्यू में आती हैं. देन फिर हम लोग पढ़ते हैं WTO का लोकेशन. देखिए यहाँ पर बिल्कुल फैक्चुअल मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड की है आप लोगों के लिए ताकि जस्ट एक रीडिंग के बाद ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए. तो फैक्ट फाइल WTO की क्या है तो लोकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो WTO का जो हेडक्वार्टर है इसको हेडक्वार्टर बोलते हैं. WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. फिर इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था WTO 1 जनवरी 1995 में बना था. और कौन से राउंड के थ्रू बना था ये देखिए ये क्रिएट किया गया था उरुग्वे राउंड जो 1986-90 से 1994 तक चल रहा था. देखिए ऐसा होता था जो गैट होता था ना गैट जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसके राउंड्स चलते थे मीटिंग्स चलते रहते थे. तो करीब 5-5, 6-6 साल 10-10 साल का राउंड चलता था. इनफैक्ट अभी भी जो राउंड चल रहा है वो दोहा राउंड चल रहा है 2001 से चल रहा है ये राउंड. ठीक है नहीं 2001 से नहीं सॉरी 2011-12 ऑनवर्ड्स है. तो उरुग्वे राउंड चल रहा था. उरुग्वे क्या है उरुग्वे एक कंट्री है साउथ अमेरिका में. उरुग्वे पैराग्वे बोलिविया ब्राजील ही कंट्रीज हैं. तो उरुग्वे राउंड चल रहा था और वहां पर 1986 से 1994 यानी कि करीब आपका 8-9 साल का जो टाइम पीरियड था उसके बाद जाके WTO एस्टैब्लिशमेंट में आता है. और नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज इसका हेड कौन है. देखिए WTO के जो हेड होते हैं उनको डायरेक्टर जनरल बोलते हैं. और अभी जो इस टाइम 2020 में WTO के हेड है यानी डायरेक्टर जनरल है दैट इज रॉबर्ट एज़ेवेडो. तो ये नाम आपके लिए मैंने लिख दिया है याद हो जाए तो वेल एंड गुड अदरवाइज नॉट अ बिग डील बट मे बी फैक्चुअल में पूछ लें तो रॉबर्ट एज़ेवेडो आपको याद रखना है. देन मेंबरशिप अब देखिए 164 कंट्रीज हैं आज की डेट में WTO की जो टोटल मेंबर्स हैं प्रेजेंट मेंबर्स हैं सिंस जुलाई 2016. और जो लास्ट इसका 164th मेंबर था इनफैक्ट 163rd जो मेंबर था दैट वाज लाइबेरिया. लाइबेरिया इसका 163वां मेंबर था. फिर 164th मेंबर जो था वो अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था जुलाई 2016 में. उसके बाद से किसी और कंट्री ने ज्वाइन नहीं किया. तो एट प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं कंट्री वो है 164 कंट्रीज मेंबर्स एज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. फिर इसका जो सेक्रेटरीट स्टाफ है वो है 625 का मतलब जो इनका स्टाफ है अपना वो 625 इंडिविजुअल्स का है. देन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या होती है आपको पता होना चाहिए जब आपने WTO पढ़ा है. तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है मीटिंग्स जो इनकी एनुअल मीटिंग्स होती है या जो भी इनकी बाय एनुअल मीटिंग्स होती है मीटिंग ना कहकर यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है. अब इनकी जो मीटिंग्स होती है हम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है वो बाइनियल होती है. बाइनियल का मतलब क्या होता है हर 2 साल में एक बार होती है. देखिए एनुअल मतलब साल में एक बार बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार और बीनियल मतलब 2 साल में जो इवेंट एक बार होता है यानी कि वंस इन 2 ईयर्स. तो एक साल एक 2 साल में एक बार जो इनकी कॉन्फ्रेंस होती है उसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं. तो अभी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी दैट वॉज हेल्ड इन 2018 इटसेल्फ वो 18 में हुई थी और वो मीटिंग हुई थी अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में. यस अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स है. तो वहां पर इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी और अभी जो
प्रोस्पेक्टिव मीटिंग है वो 2020 यानी कि अभी सेम ईयर में है, और इसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12th नंबर की मीटिंग है, तो MC12 भी बोलते हैं। और इसका जो मतलब प्रोस्पेक्टिव जो टाइम है दैट इज जून 2020 है, लेकिन अभी जून देखते हैं होती है नहीं होती है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोई भी वर्ल्ड लेवल पे मतलब कोई भी गैदरिंग को किया जाए। और इसका लोकेशन कहाँ है यानी कि जो मीटिंग थी 2020 की इसको कहाँ पर फाइनलाइज किया जाना था, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल पहले थी कजाकिस्तान की कैपिटल थी अस्ताना, लेकिन अभी उसका नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया है वहाँ के जो सुल्तान थे उनके नाम पर, तो कजाकिस्तान में होने वाली थी। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं WTO, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स ऑफ ट्रेड अमंग द नेशंस को फ्रेम करती है, यानी कि रूल्स बनाती है। और ये क्या करती है, लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड है उसको लिबरलाइज करती है, यानी कि ट्रेड बहुत बड़े लेवल पे हो सके तो कोई भी बैरियर ना आए, अगर कोई भी ऐसे लॉज हैं ऐसे बैरियर्स हैं कंट्रीज के बीच में तो उनको हटाने का काम जो होता है या उनको मतलब उनके ऊपर जो मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन का काम होता है दैट इज टेकन बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये क्या है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर एक चीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ WTO के बारे में। देखिए WTO की जो हेड होते हैं ये 5 years के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। WTO में जो मेजर मतलब स्ट्रांग होल्ड है वो अमेरिका, यानी कि जो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज है जो स्ट्रांग कंट्रीज है पावरफुल कंट्रीज है उनका जो मतलब उनका सेइंग जो होता है उनका जो मतलब जो डोमिनेंस होता है बहुत ज्यादा रहता है, जैसे USA फ्रांस जर्मनी ब्रिटेन चाइना ये कंट्रीज जो है इनका मतलब डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रहता है इस टाइप की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक का जो चीफ होते हैं उसका तो नॉमिनेशन ही मतलब USA के प्रेसिडेंट करते हैं, बाद में फिर 2/3 वोटिंग के थ्रू उनको फाइनलाइज कर दिया जाता है। लेकिन हम लोगों को मतलब मेन पॉइंट ये देखना है कि ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो IMF हो, IMF में यूरोपियन कंट्रीज का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे WTO हो चाहे WHO, यहाँ पर जो भी पावरफुल रहती है क्योंकि उनका शेयर होल्डिंग्स ज्यादा होती है, उनका जो जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा करती है। जैसे अभी हमने देखा था कि अमेरिका ने जस्ट अभी कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे WHO पर को बोला कि आपने चाइना के साथ मिलके मतलब चाइना को सपोर्ट किया और इसलिए हम आपका क्या करते हैं जो भी फंडिंग USA देता है उससे USA वापस मतलब विड्रॉ कर देता है और कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। तो बहुत बिलियंस में इनकी फंडिंग की जाती है बाय दीज पावरफुल कंट्रीज, तो ऑब्वियसली इनका जो कहना है वो भी यहाँ पर ज्यादा होगा। और जो वीक कंट्रीज होती है लाइक डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये कंट्रीज जो रिच कंट्रीज होती है जो पावर कंट्रीज होती है उनके अकॉर्डिंग जो रूल्स बनते हैं उन पर उनको इंप्लीमेंट करती है, उनके अकॉर्डिंग काम करती है। देन दाओ WTO सपोज्ड, और हाँ WTO में एक दो चीजें और बता देते हैं आपको यहाँ पर। देखिए WTO में क्या होता है, WTO का दो मेन काम होते हैं, एक तो ट्रेड फैसिलिटेटर यानी कि ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, यानी ट्रेड में कोई भी थोड़े से इररिलेवेंट बैरियर्स हैं तो वो ना आ सके, तो ट्रेड फैसिलिटेटर। और दूसरा होता है ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का मतलब होता है कि जो भी कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेके मतलब कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कि आपने टैक्स ज़्यादा लगा दिया, आप हमारे गुड्स को एक फेयर कॉम्पिटिशन नहीं दे रहे हैं या हमारे गुड्स को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो रेजोल्यूशन होता है वो केसेस जो किए जाते हैं WTO में ही किए जाते हैं। तो इसके अलग अलग मतलब इसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं कि भाई यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड इशू सॉल्व किए जाएंगे, यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स हैं यहाँ पर कोई एडवाइस लेना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए WTO में क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इशू है WTO में जिस पर अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ हो पाया है। तो इंडिया का मेन कंसर्न जो है WTO में वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, क्योंकि देखिए जो रिच कंट्रीज हैं दुनिया के मेनली USA जो है, तो USA को प्रॉब्लम है इंडिया के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम से, क्योंकि देखिए हमारे किसान क्या है, हमारे किसान गरीब हैं और भारत की सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, यानी कि सबको खाना मिल सके, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है जो मतलब एकदम अंत्योदय लोग हैं जिनको खाना बिल्कुल मतलब नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उनको उनकी फूड सिक्योरिटी को कंफर्म करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारे किसान है उनको सब्सिडाइज रेट पे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो मतलब सीड्स जो बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट होती है फॉर फार्मिंग वो प्रोवाइड करती है। अभी जो रिच कंट्रीज है जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनको इसमें ऑब्जेक्शन है कि आप अपने किसानों को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे किसान नीडी हैं इसलिए गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, तो ये हमारी गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन अब जो रिच कंट्रीज
करते हैं। देखिए इनकी कंट्रीज क्या करती है, जो इनको एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए टैक्स में कुछ कंसेशन वगैरह देती है, तो ये कहते हैं कि नहीं हमारे किसान भी नीडी है, तो ये इशूज वहाँ पर चलते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर तीन सब्सिडी, तीन टाइप के मतलब सब्सिडीज दी जाती है, जिसको ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स बोलते हैं। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में वो सब्सिडीज आती है, यानी कि वो प्रिविलेजेस आते हैं जो मतलब जिनसे ट्रेड को कोई मतलब नुकसान नहीं होगा, यानी कि वो मतलब ग्रीन है सिग्नल, उनको चलने दो। देन फिर आता है आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी में कुछ हद तक रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, ये ट्रेड को मतलब हैरेस करती है, ट्रेड पे नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होता है, तो उसको अवॉइड करना होता है। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे काफी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, मेनली ये लोग चाहते हैं कि सारा बेनिफिट इन्हीं को मिल जाए, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक अस इंडिया, इनको मतलब यहाँ पर इनका कोई भी कहना मतलब कोई भी ना, इनका इनके फेवर में कोई भी डिसीजन ना जाए, और ज्यादातर जो भी केसेस होते हैं इंडिया के अगेंस्ट में ट्रेड रिलेटेड इश्यूज, वो WTO में ही सॉर्ट आउट किए जाते हैं। फिर WTO इज सपोज टू अलाउ अ फ्री ट्रेड टू ऑल, WTO सपोज किया जाता है कि ये मतलब फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगा, और डेवलप्ड कंट्रीज जो है अनफेयरली इनके पास जो मतलब ट्रेड बैरियर्स पुट कर देती है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, उसको ये देखता है। फिर ऑन दी अदर हैंड WTO के जो रूल्स होते हैं, दे हैव फोर्स्ड अ डेवलपिंग कंट्रीज टू, WTO के रूल्स ने जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फोर्स किया है कि जो भी आपके ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटा लीजिए। तो ओवरऑल जो हम लोगों का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है इसी लेक्चर के साथ में। तो WTO के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि WTO कैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इंडिया में कैसे ग्लोबलाइजेशन आता है, क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं, सर्विस सेक्टर में कैसे इसने अपना बहुत अच्छे से रोल प्ले किया है, गुड्स में भी हम लोग काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, इनफैक्ट अब कोरोना इकोनॉमी चल रही है तो अभी दुनिया की करीब 125 प्लस ऐसी जो इंटरनेशनल कंपनीज है जैसे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, एंड बहुत सारी अदर इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो चाइना में अभी एट प्रेजेंट उनकी MNCs है, बट अब वो कंट्रीज जो है चाइना छोड़ के दूसरी कंट्रीज की तरफ देख रही हैं, तो उसमें इंडिया का जो मतलब प्लेस है वो नंबर वन पे आ रहा है कि हम लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे इंडिया का जो मेक इन इंडिया प्लान है उसको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिल जाएगा। तो हमको यही सारी चीज़ें देखनी है। देखिए इस टॉपिक में हमको करंट के साथ ऐड करके पढ़ना था, और मैंने आपको काफ़ी चीज़ें इसे बताई भी हैं, और आपको जितना भी मैंने लेक्चर में चीज़ें आपको बताई है वो सारी आपको ध्यान देनी है और बहुत अच्छे से आपको इसको कवर अप कर लेना है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अपना ये चैप्टर वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, बट स्टिल अगर कुछ पॉइंट्स आपको लगता है कि नहीं क्लियर हो पाए हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट।